ऑल गाइस, ऑल भाई लोग, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, सरकार के पास पैसा छापने की मशीन है, सरकार की वो ज़्यादा पैसा नहीं छापता। आप लोगों के मन में तो क्वेश्चन आता ही होगा। और गाइस, गरीबों पे पैसा बांट सकते हैं, ज़्यादा पैसा गाइस देश को आगे बढ़ सकता है। आप लोगों का मन में तो गाइस ये सब क्वेश्चन आता ही होगा। तो गाइस सिंपली देखा जाए गूगल के अंदर, विकिपीडिया, गाइस किसी भी वेबसाइट के अंदर गाइस देखा जाए ऑनलाइन के सर्चिंग के ऊपर, गाइस करोड़ों लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करते। तो बस आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ ये सब चक्कर होता क्या है और क्यों सरकार ज़्यादा पैसा नहीं छापती, और गाइस ये चक्कर क्या होता है, पूरी की हिस्टोरी को भी जानेंगे हम लोग, इतिहास को भी जानेंगे, पूरी की पूरी खुलासा करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ नॉलेज जरूर मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को जरूर अच्छा लगने वाला है। उससे पहले, मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडिया सोलह का चैनल। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले ऑल गाइस, ऑल भाई लोग, सभी को मेरे एक नए फ्रेश कमाल वीडियो में दिल से भाई लोग स्वागत है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल इंडिया सोलह का चैनल को, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप लोगों का फास्ट क्वेश्चन आता होगा, ये पैसे का चक्कर कब शुरू हुआ था। तो गाइस इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरी के पीछे पीछे जाए, तो गाइस हिस्टोरी के बारे में बात करें, तो गाइस इतिहास के बारे में बात करें, तो गाइस बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन बहुत सारे बंदे को नहीं मालूम, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों से। तो गाइस पैसे का चक्कर आज तक 4000 साल पहले हुआ था, और गाइस उस दौर में ये पैसा रुपीज, डॉलर, गाइस सिंपली यूरो कुछ भी नहीं था, तो गाइस दिरहम से लेकर कुछ भी नहीं था। तो गाइस सिंपल देखा जाए उस दौर के बंदे, तो गाइस 4000 से 5000 साल पहले जो कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स होते थे, वो भी गाइस उतना ज़्यादा नहीं चलता था, लेकिन गाइस सिंपली बोल सकते हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, उन लोगों के पास तो गोल्ड का कॉइन था, वो आम जनता के पास नहीं होता था, उन लोग लेन देन करते थे, लेकिन आम जनता सामान के बदले सामान दे रहे थे। आप लोगों ने जरूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो गाइस जिन लोगों को नहीं मालूम, एक बार बता देता हूँ आप लोगों से। मान लीजिए मेरे पास गाय है, तो गाइस मेरे पास गाय है, गाय वो दूध देता है, लेकिन मुझे खाना चाहिए सिर्फ गाय से, तो गाइस गाय का दूध से मुझे पेट तो नहीं भरेगा, तो गाइस मुझे खाना चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूँगा, आप जो वीडियो देख रहा है, अब मैं आपसे बोलूँगा, तो गाइस अब मैं सिंपली आपसे, आप ब्रेड बनाते हैं, आपके पास ब्रेड है या फिर खाना है, मान लीजिए कुछ भी है, खाना है आपके पास, मैं आपके पास क्या जाऊँगा, आपके पास जाके बोलूँगा गाइस सिंपली जाए आप मुझे खाना दे दो, मैं आपका दूध दूँगा आपको, तो गाइस दूध या फिर गाय दूँगा। तो गाइस उस जब पे मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, तो गाइस मुझे बहुत सारा खाना दे दिया, और मेरे पास गाय था, गाय आपको दे दिया। तो गाइस इस जब से मेरा गाय भी, जो गाय से मेरे गाय की जो ज़रूरत नहीं थी, एक गाय आपको दे दिया, आपका जो गाइस उस जब से खाना मुझे ले लिया, मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा। तो गाइस सभी को मेरा भी दूध मिल गया, खाना मिल गया, आपका भी दूध मिल गया, खाना मिल गया, गाय मिल गया, मुझे भी गाय मिल गया। तो गाइस इस तरह से लेन देन चलता रहता था, और गाइस इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था गाइस, मेरे पास जो गाय और आपके पास जो खाना है, ये सब समय या फिर एवरी टाइम ये वॉक नहीं करता था, क्योंकि आपके पास मान लीजिए मुझे भूख थी इसलिए मुझे खाना चाहिए था, लेकिन मुझे गाइस सिंपली देखा जाए तो गाइस मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, गाइस सिंपली कुल्हाड़ी या फिर मुझे एक आड़ी चाहिए, सिंपली समझ लीजिए एक काटने के लिए आड़ी चाहिए। तो गाइस मैं क्या करूँगा, आपके पास जाऊँगा, मुझे बोलना पड़ेगा गाइस आड़ी दे दो। तो गाइस आप लोग बोलेंगे आड़ी के बदले क्या क्या देंगे हम आपको। तो गाइस सिंपली मैं बोलूँगा मेरे पास गाय है, आप गाय रख लो एक, और गाइस मेरा जो आड़ी और कुल्हाड़ी चाहिए वो मुझे दे दो एक। तो गाइस आपका तो गाइस उस गाय पे इंटरेस्ट नहीं होगा, तो गाइस आप तो मुझे गाय नहीं लोगे, और वो गाइस वो कुल्हाड़ी या फिर गाइस आड़ी मुझे नहीं दोगे, तो गाइस आपका तो इंटरेस्टेड नहीं होता। उसी वक्त चालू हुआ गाइस सिंपली बोले ऐसा कुछ हो जो गाइस सिंपली सभी को पसंद हो। तो गाइस उस वक्त से चालू हुआ हर कंट्री के ऊपर, कहीं पर गाइस वाइस बोले जो रेगिस्तान है वहाँ पे ऊँट, तो गाइस जो कैमल्स गाय होते थे ना, तो गाइस सिंपली उसके लेन देन चलती थी, नॉर्मल में
घोड़े हॉर्स गाइस सिंपली घोड़े गाइस सिंपली यार काउस गाइस ये सब लेन देन चलता रहता था। लेकिन इसका चक्कर होता क्या था, इसको सब जगह कैरी करना मुश्किल था, पॉकेट में लेकर घूमना मुश्किल था। गाइस इसको दूर कहीं जा रहे तो गाइस इसको लेके नहीं जा सकते, और गाइस इसका खाना पीना तो होता ही होता है। तो गाइस यही सब चक्कर को झंझट को साइड में रख के उसके बाद पैसे का इन्वेंट हुआ, और गाइस वो पैसा एक ऐसा चीज़ बना जो आज तक हम सवाल कर रहे हैं। तो गाइस वो पैसा ये था, तो गाइस पैसे के बदले पैसा मतलब एक ऐसा चीज़ जो कागज हो या फिर कॉइन हो कुछ भी हो। तो गाइस आज के दौर में हम कागज़ यूज़ कर रहे हैं गाइस, उस दौर में कागज़ की वैल्यू कुछ भी नहीं था। वहाँ पे गाइस जो सिंपली देखा जाए जो कॉइन्स होते हैं ना वो गोल्ड के चांदनी के बंद थे गाइस, इसीलिए उस कॉइन का वैल्यू हो रहा था, तो उस कॉइन का वैल्यू बंद था। लेकिन आज के दौर में गाइस सरकार के डर से या फिर सरकार की वजह से सरकार के ऊपर इज्जत की वजह से वो पैसे का वैल्यू होता है हमारे कागज़ से। एक तरफ देखा जाए जो हमारा पैसा है वो कागज़ का टुकड़ा है, उसका कुछ भी नहीं था। आप लोग जब नोटबंदी हुई थी आप लोग समझ गए होंगे, जो सरकार ने सिर्फ बोला उस नोट का गाइस कुछ भी संभाल नहीं सकता, वो कागज़ का टुकड़ा बन चुका था। जो पहले के 1000 के 500 के नोट थे उसी तक गाइस सिंपल देखा जाए हमारा जो आज से करंसी है वो एक कई से पारे में एक कई से डर की वजह से और ऊपर से गाइस इज्जत की वजह से चल रहा है। और गाइस सिंपल देखा जाए ये सब चक्कर जो है पहले के ज़माने में ये कागज़ वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, वहाँ पे इतना हाईटेक भी नहीं था, नकली कागज़ बना देते थे लोग बहुत ज़्यादा। तो गाइस वहाँ पे ये हुआ, वहाँ कोई गोल्ड का वैल्यू गोल्ड ही होगा, तो गाइस उसके लिए गोल्ड का कॉइन अवेलेबल होने लग गए, और गाइस जो चांदनी का कॉइन भी बनने लग गए, और भी कुछ सिंपल देखा जाए जो हीरे मोती का भाई कॉस्ट बहुत सारी चीज़ होने लग गए, उसका लेन देन चालू हुआ। उसके बाद आया जब गोल्ड का कोई वैल्यू वगैरह जब अपने अपने सरकार बनने लगा, तो गाइस राजा महाराजा बनने लगा, तो गाइस बड़े बड़े, तो गाइस वहाँ पे धीरे धीरे गाइस इस पैसे का संभाल शुरू होने लगा। जो हमारा आपके नोट संभाल कर रहे डर की वजह से इज्जत की वजह से जो बंदा बोलता है वही होता है। लेन देन के चक्कर के चलते चलते ये इंक्रीज होते होते और भी ज़्यादा इंक्रीज होते थे, आज के दौर में पैसे में बदल गया या फिर रुपीज में बदल गया। तो गाइस इसको सिंपली आप लोगों से बताए तो एक बार, तो गाइस पहले के ज़माने में गाइस चीज़ों के बदले चीज़ें लेना चलता था, और गाइस सिंपली सामान के बदले सामान आप लोग जानते ही है। उसके बाद आया सिंपली आप हॉर्सेस कैमल शिप्स, तो गाइस जो आप लोग जानते हैं गाय आप लोग जानते हैं सब कुछ। तो गाइस उसके बदले जो कॉमन चीज़ उसके बदले लेन देन चलता रहता था। उसके बाद आया सिंपली गोल्ड कॉइन्स जिसकी वैल्यू हो रही थी और गाइस आज भी वैल्यू है। तो गाइस गोल्ड कॉइन्स चांदनी के कॉइन्स। उसके बाद आया सिंपली हमारा रुपया या फिर पैसा या फिर दिरहम यूरोस डॉलर कुछ भी बोले, पैसा यानी पैसा कागज़ का पैसा। लेकिन ये सरकार के वजह से चल रहा है, सरकार इसके ऊपर रोक लगाए, तो गाइस ये कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन गाइस उस दौर में सरकार उसके ऊपर रोक लगाए, तो गाइस ये सरकार के पास या फिर उस दौर में सरकार या फिर सरकार जो होती थी वो महाराजा होती थी उस दौर में, अच्छा 4000 साल पहले 5000 साल पहले, वो उसको गाइस सिंपली बोले वो कॉइन जो होती थी गाइस वो कॉइन ऑलरेडी गोल्ड की होती थी। वो जो सरकार कुछ भी वो जो महाराजा कुछ भी बोल देता गाइस उसका कोई वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि वो ऑलरेडी गोल्ड का कॉइन था। लेकिन आज के दौर में वो कागज़ का कॉइन है, बोले सरकार कुछ भी बोले तो गाइस वैल्यू नीचे गिर जाएगा। तो गाइस ये सब तो क्लियर हो चुका है, अब आता है इसको पैसा को ज़्यादा छापता क्यों नहीं है। इसका सिंपल से सिंपल आंसर है, आप लोगों को बहुत लोगों को नहीं मालूम इसलिए आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। फास्ट आता है GDP या फिर देश का गाइस सिंपल वैल्यू नीचे गिर जाएगा। एक आपने एक भी गाइस को एक नोट छापने से कुछ जेस्टा कुछ भी नहीं होता, कुछ गाइस सिंपल कुछ ज़्यादा नोट छाप लिए तो गाइस आपका जो देश का पैसा है उसका आंकड़ा नीचे गिर जाएगा। जैसे डॉलर का कीमत 70 रुपये है लेकिन हमारा इंडियन रुपीस की कीमत 1 रुपये ही है, तो गाइस आप लोग जानते ही है उसी हिसाब से नीचे इसी हम नीचे गिर गया, इसलिए हमारा रुपीस का आंकड़ा या फिर पैसे का वैल्यू नहीं रहा। उसी हिसाब से देखा जाए तो गाइस हाँ जिसका जितना कम होगा उसका उतना ज़्यादा वैल्यू होगा। आप लोग जानते हैं राशन कम होगा तो राशन का वैल्यू ज़्यादा पैसा ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू खिंचप है।
जितना जो जितना काम होता है उसका उतना ज़्यादा वैल्यू होता है। अफ्रीका के बहुत है एक कंट्री है, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है तो भाई सिंपली जानते हैं उसके अंदर जो GDP गिरने के बाद या फिर सब कुछ ख़त्म होने के बाद सिंपली बोले वहाँ का जो सरकार के बाद तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा छापने लग गया पैसा और उस वजह से वहाँ का जो पैसे का वैल्यू था वो इतना नीचे गिर गया। वैल्यू को भाई बोले तो ना बोले सामान में आपको 1 रुपये का सामान के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा लेने इतना ज़्यादा आप लोगों को इसका इतना बड़ा बंडल लेके जाना पड़ेगा, बड़ा सा एक पैसे का बंडल लेके जाना पड़ेगा। इतना सारा पैसा लेके जाने के बाद 1 रुपये का वैल्यू होता है। तो भाई इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, जितना जो चीज़ काम होता है उसका वैल्यू होता है। इसके बावजूद भी और भी रीज़न से आप लोगों को जो सिंपल बता रहे हो रीज़न जो वैल्यू गिर जाएगा और GDP की एक वाट लग जाएगी। तो भाई सिंपली और एक तो भाई ग्यारह का सामने से इकोनॉमी नीचे गिर जाएगा या फिर GDP या फिर पैसे का वैल्यू नीचे गिर जाएगा। इसका और भी रीज़न से लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिंपली बताया मैंने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे रहिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले सोशल मीडिया फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे रहिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल मार दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।